सारे लोग भाजपा के कमल के लिए काम करते हैं। कमल के प्रति जिनकी श्रद्धा है उनके अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, जिनकी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है वो गुटबाजी में हो सकते हैं। भिलाई में बिल्कुल भाजपा की जो विपक्षी भूमिका थी कहीं नजर नहीं आती, तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद में क्या ऐसी नई प्लानिंग होगी इसमें? अब नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा ने कल रात लिस्ट जारी करी, एक बड़ी सर्जरी हुई और बहुत सारे जिले के अध्यक्ष चेंज हुए। भिलाई जिला में भी अध्यक्ष बदले गए और यहाँ पर ब्रजेश ब्रिजपुरिया जी ने जो है पदभार संभाला है और अध्यक्ष के रूप में उनका नाम सामने आया है। हालांकि ब्रिजपुरिया जी पहले भी कई बार, दो बार जिला अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं और लंबे समय से 45 वर्ष से ज़्यादा हो गए उन्हें भाजपा में सक्रिय एक भूमिका निभाते हुए। अनुभव का लाभ संगठन को मिलेगा, संगठन में भी बहुत सारे बदलाव होंगे और यह सारी चीज़ें कैसे होगी हम स्वयं ब्रजेश जी जानना चाहेंगे। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है केपी न्यूज़ में। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष बने हैं, आपके लिए नई बात नहीं है लेकिन नई पीढ़ी के लिए नई बात है। नई सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भाजपा में आ चुकी है, तो किस रूप में पाते हैं आप इस अध्यक्ष पद को? चुनौतियों से भरा हुआ है अध्यक्ष पद। आज की जो वर्तमान स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी अपोज में बैठी है, कांग्रेस का शासन है और कांग्रेस अपने चरम पर है भ्रष्टाचार के मामले में। यहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, हर चीज़ के लिए पैसा लग रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र हों तो उसके लिए पैसे लगते हैं, पुलिस में भर्ती हो तो उसके लिए पैसे लगते हैं, सारी चीज़ के लिए पैसे लग रहे हैं और भ्रष्टाचार से पूरी लिप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है 2023 में कमल खिलाना है और उसके लिए हमको माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो योजनाएँ बनाई हैं केंद्र की, उन योजनाओं को घर घर तक पहुँचाना है और लोगों को बताना है कि आज केंद्र सरकार क्या कर रही है जनता के लिए और जनता उससे कितनी लाभान्वित हो रही है। ये तो थी विपक्ष की बात, भाजपा आज विपक्ष में है प्रदेश में, तो आप किस तरीके से विपक्ष की भूमिका को मजबूत करेंगे? लेकिन अगर हम पार्टी की बात करें, संगठन की बात करें, तो संगठन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर जो है 50+ वालों को संगठन में मौका कम दे करके यंग जनरेशन को सामने लाया जाएगा, लेकिन आप का जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर आपको जो आज एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कहीं ना कहीं ये एक संदेश आ रहा है कि गुटी राज जो संगठन में गुटबाजी थी उसको एक विराम मिल गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे लोग भाजपा के कमल के लिए काम करते हैं, कमल के प्रति जिनकी श्रद्धा है उनके अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, जिनकी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है वो गुटबाजी में हो सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति में व्यक्ति के प्रति कोई मामला नहीं है। सारे लोगों का उद्देश्य कमल को मजबूत बनाना है और हम सबका नेता कमल है और हम सबको कमल के लिए काम करना है और कमल के लिए काम करेंगे और कमल को मजबूत करेंगे और 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन छत्तीसगढ़ में आएगा और उसके लिए जो भिलाई का की सहभागिता है वो अधिक से अधिक हो, इस बात का मैं प्रयास करूँगा। कमल की बात कही आपने, तो अभी जिस तरीके से आप अभी अध्यक्ष पद पर हैं तो क्या कार्यकारिणी में भी इसमें बदलाव अभी होंगे? कार्यकारिणी में भी होंगे, जो भी ऊपर से निर्देश होगा उनसे बात करके और जो मुझे लगेगा कि कहाँ बदलाव करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किन नए लोगों को लाना चाहिए, किन को नहीं लाना चाहिए, ये सब ऊपर से चर्चा करके हमारे महामंत्री संगठन ने प्रदेश के उनसे चर्चा करने के बाद उसको किया जाएगा। आपने विपक्ष की बात कही कि विपक्ष के रूप में भाजपा भी प्रदेश में है, निगम में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कभी इतने दिन हो गए भाजपा रिसाली हो गया, रिसाली निगम हो गया, भिलाई निगम हो गया, दो नगर पालिका, कहीं भी अभी नेता प्रतिपक्ष भाजपा की ओर से चुनकर सामने नाम नहीं आया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर भी चर्चा करेंगे और ऊपर वालों से जो निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से जल्दी यहां पर नियुक्ति हो, ये प्रयास करेंगे। पिछले 4 साल हो गए कांग्रेस सरकार को, अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा, एक या दो को छोड़ दिया जाए तो भाजपा विपक्ष के रूप में कोई बड़े आंदोलन में शामिल नहीं है। खासकर हम भिलाई की बात करें तो भिलाई में बिल्कुल भाजपा की जो विपक्षी भूमिका थी कहीं नज़र नहीं आती, तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद में क्या ऐसी नई प्लानिंग होगी इसमें? अब मेरी तो एक व्यक्तिगत प्लानिंग है और बाकी तो मैं ऊपर के अधिकारियों से निर्देश लूँगा। 3 निगम हैं, तीनों कांग्रेस के पास हैं, 2 नगरपालिका हैं, 1 कांग्रेस के पास में, 1 बीजेपी के पास में है। तो मैं जो अपनी प्लानिंग बता रहा हूं कि मैं इन सारे निगमों में पदयात्रा करूंगा, हर वार्ड में जाऊंगा और हर वार्ड की समस्याओं को लेकर के उन निगमों में आंदोलन करूंगा, जन आंदोलन करूंगा, जनता की डिमांड को लेकर आंदोलन करूँगा।
आपके साथ में युवाओं को आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आपका जो अनुभव है, आपके बैच के लोग आपके साथ में हैं, एक सेकंड और थर्ड जनरेशन अब भाजपा में आ रही है, तो युवाओं को लेकर के आपकी क्या सोच है? देखिए, कल रात में यहाँ पर कोई भी मेरे हम उम्र का आदमी नहीं आया था, करीब 100 लोग आए थे और 100 के 100 युवा मोर्चा के लोग थे, और उन्होंने जो उत्साह दिखलाया, पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी, और जिस तरह का उनमें उत्साह था, उससे आप अंदाज़ लगा सकती हैं कि युवा कितनी बड़ी संख्या में मेरे साथ में है। और मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अपने आप पे बहुत खुशी होती है और ये महसूस होता है कि आज भी लोग मुझे बहुत अच्छे से चाहते हैं। मेरे पास में 20 साल की उम्र से लेकर के और 90 साल के उम्र के लोगों के फ़ोन आए हैं, लगातार आ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 20 साल का युवक भी फ़ोन कर रहा है, मेरे को बधाई दे रहा है और खुशी जाहिर कर रहा है, और 90 साल के बुजुर्ग भी मुझको फ़ोन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव अगले वर्ष है और अभी लगता है कि भाजपा को जिस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, पिछले 3-4 सालों में क्या वो मेहनत हो पाई थी कि पब्लिक के बीच में भाजपा पहुंच पाई है? देखिए, भाजपा ने प्रयास किया और प्रयास में कोई कमी दिखी अगर, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब ये जो टीमें बन रही हैं, ये टीमें पूरी ताकत के साथ में और पूरी तन्मयता से, इस जोश से काम करेंगी और भाजपा के काम को आगे बढ़ाएंगी, कमल को मजबूत करेंगी और कांग्रेस को ध्वस्त करेंगी। जी हाँ, कांग्रेस को ध्वस्त करना भाजपा का जो एक मुख्य लक्ष्य है। कांग्रेस फ्री जो है प्रदेश की एक मुहिम लगातार भाजपा चलाती रही है, और ब्रिजेश जी के अध्यक्ष बनने बाद उनकी जो पहली प्राथमिकता है कि वो भिलाई जिला के अंतर्गत आने वाले निगम और नगर पालिका, जो भी उनका क्षेत्र है, उसमें वो वार्ड वार पदयात्रा करेंगे और पदयात्रा करके वो लोगों के बीच जाएंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो किस तरीके से जो है उनके दुख दर्द में शामिल होकर के उनको जो है प्रदेश सरकार की विफलताओं को भी बताएंगे कि किस तरीके से सरकार जो है काम कर रही है और किस तरीके से भाजपा जो है लोगों के बीच में उनके कितनी सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की सफलताओं को भी बताएगी। और हम जानना चाहेंगे सर कि जो अभी केंद्र की जो योजनाएँ हैं और राज्य सरकार की योजनाएँ हैं, इसमें किसानों को लेकर के राज्य सरकार काफ़ी काम कर रही है, न्याय योजना हो गया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो वो उनका जो फ़ायदा है सीधा कांग्रेस को मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो भाजपा की योजनाएं हैं, भाजपा ने भी किसान योजना बनाई है और हर किसान को 6,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन ये उस योजना को लागू नहीं करना चाहते। वो योजना लागू करेंगे यहाँ किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन ये फ़ायदा किसानों को दिलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए सब बातें कर रहे हैं। पहले आयुष्मान योजना थी, 5 लाख रुपये तक का मामला था, इन्हें चालू नहीं किया, अब मजबूरी में चालू कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनने चाहिए थे प्रदेश के अंदर, उन मकानों के लिए इन्हने काम चालू नहीं किया, अपना कंट्रीब्यूशन तैयार नहीं है, इसलिए मकान नहीं बन पा रहे हैं, गरीब लोग उससे महरूम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अपनी असफलता को छुपाने के लिए कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो प्रदेश सरकार है सिर्फ वो दिखावे का काम कर रही है? बिल्कुल दिखावे का काम कर रही है। और जब 15 साल जब भाजपा थी यहाँ पर, तब कैसी स्थिति थी किसानों की? किसानों की स्थिति अच्छी थी, किसानों की धान खरीदी जा रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, उनको बीज मिल रहा था, खाद मिल रही थी, अभी सभी चीज़ों की दिक्कत हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं को बता करके आप दोबारा विधानसभा में भाजपा आ पाएगी? कांग्रेस सरकार की विफलताओं को बताएगी और अपनी सफलताओं को बताएगी। कांग्रेस की विफलता और हमारी सफलताएँ जो हमने किया है, और केंद्र सरकार के माध्यम से और जो राज्य सरकार के माध्यम से हमने 15 साल में किया था, वो भी बताएगी। जी हाँ, ब्रिजेश जी का आपने देखा साक्षात्कार, किस तरीके से वो भाजपा के लिए समर्पित हो करके भाजपा को आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में हर जगह कमल खेल उनका प्रयास करेंगे, और खासकर भिलाई में जब उनका फोकस होगा तो भिलाई विधानसभा उनकी जो नज़रों में रहेगी और संगठन को मजबूती के साथ में हर जनरेशन को साथ में लेकर के ये जो है साथ में। केवल भिलाई विधानसभा नहीं, भिलाई जिले के अंदर 2 विधानसभा पूरी आती है, एक वैशाली नगर, एक भिलाई, इसके अलावा पाटन विधानसभा, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा, अहिरवारा विधानसभा, इनका भी आधा आधा हिस्सा आता है। तो हमारी प्राथमिकता इन पूरे हिस्से में भाजपा को मजबूत करना है। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सीट कौन सी लगती है आपको, जहाँ बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है? हमको तो लगता है कि भाई सारी सीटों में हम मेहनत करेंगे, जहाँ हम प्लस भी हैं वहाँ और प्लस होंगे, जहाँ हमको लग रहा है कि हम जीतेंगे लेकिन हम और अच्छे वोटों से जीते, हम ये प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया दीपावली का, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को साथ में लेके चल रहे हैं, तो इस पर भाजपा का क्या रिएक्शन होगा? अभी तो आप पूछिए उनसे कि कितना परसेंट बाकी था, कितना दिया उनने,
कर्मचारियों का कितना परसेंट दिए बाकी है और कितना परसेंट दे रहे हैं। वहाँ तो 5% दिया है, बाकी तो बहुत है। अभी आज की डेट में 38% दिए हो गया है और इनका 29 था, 5 अगर दे भी दे रहे तो 34% हो रहा है, 4% तो फिर भी बाकी है अभी। और वो भी कितने दिक्कत के बाद, कर्मचारियों ने कितनी हड़ताल की, कितनी अपना आंदोलन किए, कितने धरने प्रदर्शन किए, उसके बाद हो रहा है। एक हफ्ते पूरा काम बंद था, इसके बाद फिर काम बंद था कर्मचारियों का, प्रदेश के अंदर पूरा काम ठप था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपके आने के बाद एक संगठन में एक नई ऊर्जा शायद संचारित हो जाए। मेरे आने के बाद क्या, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, यंग कार्यकर्ता हैं, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उन सब में संचार हो रहा है, वो लगेंगे सब काम पे, और काम पे लगेंगे तो निश्चित रूप से एक उत्साह वाला वातावरण बनेगा। जी हाँ, एक उत्साह का वातावरण है नए जिला अध्यक्ष के बनने के बाद में, और निश्चित तौर पर यह जो अध्यक्ष की जो उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं इनके अनुभव, इनके समर्पण भाव को देख करके दी गई है। और संगठन भी उम्मीद करेगा कि जो आने वाला चुनाव है उसमें ब्रजेश बिसपुरिया जी के मार्गदर्शन में, यहाँ उनके जो नेतृत्व में जो है भिलाई जिला जो है एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। कोमल धनेसर की रिपोर्ट केपी न्यूज़ के लिए। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।